एपीडा यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण भारत द्वारा सिरमौर जिला से काला लहसुन को कनाडा निर्यात करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। डीसी ने प्रथम स्तर पर प्रशिक्षण के तौर पर निर्यात किए जा रहे काले लहसुन की पहली शिपमेंट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर ने बताया कि जिला सिरमौर में उत्पादित होने वाले पार्वती किस्म के लहसुन की फर्मेंटेशन की जाती है, जिसके उसके रूप में परिवर्तन होता है। उन्होंने बताया कि कनाडा सहित अन्य देशों में काला लहसुन की बहुत मांग है और डीसी ने लहसुन उत्पादन करने वाले किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वह प्राकृतिक विधि से ही लहसुन का उत्पादन करें, ताकि जिला सिरमौर का लहसुन विश्व पटल पर अन्य देशों के लहसुन का मुकाबला कर सके। उन्होंने बताया कि काला लहसुन निर्यात करने वाली कंपनी की सहायता से जिला के किसान उत्पादक संगठन के सदस्यों को लहसुन की फर्मेंटेशन के लिए मशीनें उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसकी सहायता से वह जिला के अन्य किसानों से लहसुन एकत्रित कर उसे काला लहसुन के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे। में जो है पीडा के माध्यम से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें आज हमारा जो ब्लैक गार्लिक की कंसाइनमेंट है उस कंसाइनमेंट को आज रवाना कर रहे हैं कनाडा के लिए, और इसमें हमारे एक्सपोर्टर हैं मिस्टर हरप्रीत जी, जिनके माध्यम से कार्य हो रहा है, और उनकी जो कंपनी है मैसेज HV एंटरप्राइजेस समथिंग लाइक दिस। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सभी आपके लोगों के साथ शेयर करते हुए कि जो हमारे किसान हैं, जो इतना गार्लिक जिला सिरमौर में सबसे ज़्यादा हिमाचल में प्रोड्यूस होता है, उनके लिए एक सुनहरी अवसर है कि जैसे हमारा ब्लैक गार्लिक की मार्केट एस्टेब्लिश होती है एक्सपोर्ट मार्केट, उनको आने वाले समय में बहुत अच्छा रेट जो है इस गार्लिक का मिलेगा, और उनकी जो इनकम है वो भी डबल ट्रिपल होने की संभावना इसमें पूर्ण है। सिर्फ मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि वो अपना जो गार्लिक है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करें और प्राकृतिक रूप से इसमें उगाएँ, ताकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाकी देशों के साथ कम्पीट कर सके, और कम्पीट ही ना करें उनसे आगे निकल सके, बेस्ट क्वालिटी हमारी जो वहाँ जानी चाहिए। और आने वाले समय में हमें भी कोशिश करेंगे कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको हम ब्लैक गार्लिक की मशीनें जो है वो सरकार के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे, ताकि वो अपना प्रोडक्ट जो है अपना गार्लिक को प्रोसेस करके ब्लैक गार्लिक की बना के उसकी जो इंडिया में जो मार्केट है उसको भी एक्सेस कर सकें, और उसमें भी अपना जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में दे सकें और अच्छा प्राइस उनको मिले।